चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो तीन टर्म जो बताए थे वो टर्म आप सबके सब याद रखो। तो वो टर्म कौन कौन से थे आपको जो याद रखने हैं? रिंग रेसिड्यू, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड और एक्सटेंडेड कंजंक्शन बॉन्ड। हाँ, तो पहले जिन जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं लिखा है तो वो सबसे पहले एक काम करो, ये वैल्यूज लर्न नोट कर लो। सबसे पहले एक हमारे पास में ये होता है डाइईन का सिस्टम, इसकी वैल्यू होती है 217 nm। ठीक, दूसरी हमारे पास में क्या होता है, दूसरा हमारा होता है होमोन्यूक्लियर, इसकी वैल्यू आप लोग लिख लो जितनी होती है। और तीसरा हमारा होता है ये हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है, तो ये तीनों आपको लिखने हैं यहाँ पे। अब कौन आया, रुको एक मिनट, जल्दी से आ जाओ फटाक से। ठीक है, तो ये हमारे पास में सारे दिए गए और इन सबकी क्या होती है, एक बेस वैल्यू होती है सबकी अलग अलग। ठीक, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ये इसकी बेस वैल्यू कितनी होगी। वॉइस क्लियर आई सबको? हाँ, यस सर, आ रही है। ठीक। देखो सबसे पहली चीज ये वाला याद रखना, इसकी बेस वैल्यू होती है 217 nm। ठीक, और इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में बेस वैल्यू थी वो कौन सी बेस वैल्यू है? नेक्स्ट बेस वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास में होमो एनुलर था, तो होमो एनुलर की बेस वैल्यू हम लोगों ने कितनी पढ़ी थी, 253, 253। ठीक, और लास्ट में हमारे पास में ये हेट्रो एनुलर है, और हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है, हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू होती है 214 nm। हेट्रोएनुलर की होती है 214 nm। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, 214 nm होती है। ठीक, अब इन्हीं के थ्रू अब एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। रिंग रेसिड्यू कैसे निकालते थे मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, रिंग रेसिड्यू कैसे निकाला जाता था। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए रिंग रेसिड्यू निकालने का तरीका क्या था। पहला वाला कंपाउंड देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो ये हमारे पास में पहला कंपाउंड था ये फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाले कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ से ये हमारा पहला कंपाउंड है। ठीक, ये हमारे पास में पहला कंपाउंड है, इसमें हम लोगों को रिंग रेसिड्यू देखने की कैसे रिंग रेसिड्यू आएगा हमारे पास में। ठीक, तो रिंग रेसिड्यू निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। क्या तरीका होता था रिंग रेसिड्यू निकालने का, कि सबसे पहले जहां डबल बॉन्ड आता था, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करते थे, ऐसे सर्किल बना देते थे उसको, बना दिया। अब जहां जहां से ये कट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कह देते थे, कि जहां से ये कट होगा वही हमारे पास में क्या होता था, रिंग रेसिड्यू होगा इस चीज का। ठीक, तो देखो रिंग रेसिड्यू कितने होंगे यहाँ पर, एक तो कट यहाँ पर दिख रहा है कि इसके आगे डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक, दूसरा कट कहाँ हो रहा है, इनके ग्लिट पे, यहाँ से भी ऊपर देखो डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। और तीसरा कट इधर लगेगा, यहाँ से भी ऊपर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने कट लगे यहाँ पर, तीन कट लगे। तो जब तीन कट लगे तो इसका मतलब रिंग रेसिड्यू कितने होंगे इसमें, जल्दी से बता दो रिंग रेसिड्यू कितने होंगे, जितने कट लगेंगे भाई उसके क्या होते हैं, रिंग रेसिड्यू। तो इस कंडीशन में देखो नीचे लिखा हुआ कितने रिंग रेसिड्यू है, थ्री रिंग रेसिड्यू है। ठीक, अब बात आती है एक्सो ग्रुप क्या होते हैं, तो एक्सो ग्रुप के बारे में भी चेक कर लेते हैं। तो एक्सो ग्रुप देखो इधर क्या होते हैं, एक्सो ग्रुप, एक्सो ग्रुप की कंडीशन जब भी हम लोग पता करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड जो भी हमारे पास में आएगा, ठीक, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड हमेशा रिंग के बाहर होना चाहिए। जैसे हम सपोज आपने इस तरीके से बनाया, एक रिंग बना दिया आपने ये, अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, रिंग के बाहर कहीं पर भी हो, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगाओ,
यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ या रिंग के बाहर, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, मतलब रिंग के बाहर कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो समझ लो वो हमारा एक्सो ग्रुप होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें इस वाले फिगर में, तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल देखो हमारे पास में रिंग रेसिड्यू, वो एक्सो ग्रुप कितने दिखाई देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा अगर एक्सो ग्रुप की बात करें फर्स्ट वाले में फिर से, तो डबल बॉन्ड के बाहर रिंग के बाहर कितने डबल बॉन्ड दिखाई देना है। ये सेकंड वाली रिंग को देखो, ये सेकंड वाली हमारे पास रिंग है और सेकंड वाली रिंग के बाहर आपको देखो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा। तो एक रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड मिल गया, इसका मतलब कितने एक्सो ग्रुप है, एक एक्सो ग्रुप आ गया हमारे पास में। ठीक, तो यही हमारे पास में एक्सो ग्रुप और रिंग रेसिड्यू निकालने का तरीका होता है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट नीचे आते हैं। ठीक, कि जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो सबसे पहले कि हम लोगों का जो लैम्डा मैक्स का फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा मैक्स निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। लैम्डा मैक्स निकालने का आपका फॉर्मूला ये देखो लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है बेस वैल्यू ऑफ द सिस्टम और दूसरा होता है एडिशनल वैल्यू। बेस वैल्यू होती कौन कौन सी, तीन होती है हमारी, एक तो ये होती है डाइन की, दूसरी बेस वैल्यू जो है हमारी, दूसरी बेस वैल्यू ये है साइड में दे रखी है देखो इसी के नीचे, ये वाली दूसरी हमारी बेस वैल्यू है 253 वाली होमो एनुलर की, और तीसरी हमारी होती है हेट्रो एनुलर। तो हमको सिस्टम पहचानना, या तो ऐसा दिखने ऐसा दिखेगा, या तो सिस्टम ऐसा दिखेगा, या तो सिस्टम ऐसा दिखेगा, या तो सिस्टम में रिंग नहीं होगी। दूसरा सिस्टम क्या होता है, रिंग होगी लेकिन उसमें एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होंगे, और तीसरा सिस्टम जो हेट्रो एनुलर होता है उसमें क्या होता है एक ही रिंग के अंदर अलग अलग, मतलब दो रिंग में अलग अलग डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं अपने वाले टॉपिक पे जहां से हमको पढ़ना था। तो हम लोग पहले बेस वैल्यू लिखेंगे, बेस वैल्यू कौन कौन सी होती है, बेस वैल्यू या तो होगी हमारे पास में 217, या तो बेस वैल्यू होगी 253, या तो बेस वैल्यू होगी हमारी 214। तो अलग अलग सिस्टम, जैसा सिस्टम होगा वैसी उसकी होगी बेस वैल्यू। और एडिशनल वैल्यू क्या होती है, एडिशनल वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है, जैसे हमने बताया भी आपको कि हमारा रिंग रेसिड्यू ये एडिशनल वैल्यू है, एक्सो ग्रुप ये भी हमारा क्या है, एडिशनल वैल्यू है। तो ये रिंग रेसिड्यू और एक्सो ग्रुप ये सारी हमारी एडिशनल वैल्यूज होती है। तो यहाँ हम लोगों को बस यही देखना है कि कितना उसमें वैल्यूज उसकी आ रही है, और सबको उठा के जोड़ देना है। सबको जोड़ दोगे तो हमारे पास में लैम्डा मैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो एक एक करके अपना जो मैंने क्वेश्चंस कराया था वही स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एग्जांपल क्या है आपका, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये दिया रखा है। तो सबसे पहले आप ये पहचानो यहाँ पर सिस्टम कौन सा है। देखो दो रिंग लगी हुई है और दोनों रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड अलग अलग पे है, तो अलग अलग पे है, हाँ हेट्रो एनुलर है, तो हेट्रो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती है, 214 होती है, लिख दिया मैंने, बेस वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में रिंग रेसिड्यू कैसे देखते हैं, तो मैंने इसको कवर कर लिया, और कवर करने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ से कट आ रहा है, तो एक कट यहाँ आएगा, एक कट यहाँ आएगा और एक कट यहाँ आएगा, तो टोटल तीन रिंग रेसिड्यू हो गए। जब तीन रिंग रेसिड्यू होगा तो यहाँ ऐसे लिख देंगे कि 3RR, 3RR लिखेंगे, और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू कितनी होती है 5, तो तीन रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 15। ठीक, और उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सो ग्रुप। तो एक्सो ग्रुप की बात करो तो देखो इस ये वाली रिंग के बाहर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब एक डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक्सो ग्रुप कितने होंगे, एक एक्सो ग्रुप होगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 एक्सो ग्रुप। ठीक, तो एक हो गया हमारे पास में एक्सो ग्रुप। ठीक, अब इन सबको क्या करेंगे, टोटल हम लोग ऐड कर देंगे, और जब टोटल इनका करोगे तो टोटल कितना आएगा, देखो जरा टोटल अगर इनको ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ ऐसे लिख लिया करो, लाइन खींच ली हमने। ठीक,
लाइन खींचने बाद नीचे लिखेंगे ऐसे लैम्डा मैक्स, ठीक। और लैम्डा मैक्स टोटल सबको ऐड करो कितना आएगा, जल्दी पढ़ाओ। एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है, 5, ठीक। तो 15 5 हो गया 20, और 214 में 20 ऐड करो कितना आएगा, 234। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 234 NM, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ किसका किसका सही था, फर्स्ट वाला मेरा तुम्हारा सही था। चलो हाँ, मैं क्या बोल, फिर से देख सुन लो कि मैं सॉल्व कराता चल रहा हूँ, जिसने नहीं किया था वो करते चलो, ठीक। और कोई डाउट हो तो पूछते चलो। नेक्स्ट बार नेक्स्ट चीज ये कि जिस भी स्टूडेंट ने, आप सब बहुत लोगों ने किया हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट ने कर लिया है वो अभी चैट सेक्शन में, सेशन कंप्लीट होने के बाद में चैट सेक्शन में बताना है कि 10 में से कितने सही होंगे, ठीक है, ईमानदारी के साथ, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाले केस में देखो क्या है, ये हमारे पास में सेकेंड है, सेकेंड इसी के नीचे वाला देखो, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई मतलब भी नहीं है ना, जिसको अगर नोट करना तो नोट कर लो, जल्दी थोड़ा आगे बढ़ूं, ठीक है, साथ साथ करते चलो, ठीक है, जिसको नहीं किया वो साथ साथ करते चलो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ताकि आगे वाली चीज भी होती रहेंगी, ठीक, कर लिया है। हाँ चलो, अब जरा सेकंड वाला सिस्टम देखो। अब ये हमारे पास में सिस्टम दे रखा है, ठीक। अब इस सिस्टम में देखो, पहली चीज हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या बनेगा, सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास में, अगर हम यहाँ पर बेस वैल्यू की बात करें तो बेस वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। तो ये भी हेट्रो एनुलर है, इसकी भी 214 ही होगी। हाँ, ये भी हमारे पास में हेट्रो एनुलर है, इसकी भी बेस वैल्यू होगी 214 NM, ठीक, हो गई। अब देखो इसकी अगर हम रिंग रेसिड्यू की बात करें, तो रिंग रेसिड्यू हम लोग डबल बॉन्ड को कवर करना होता है, तो डबल बॉन्ड को आप लोग ऐसे कवर कर लिया, ठीक। अब जब हाँ, तो डबल बॉन्ड को आपने जब क्लियर यहाँ से कवर कर लिया, तो अब इसके रिंग रेसिड्यू देखो, तो रिंग रेसिड्यू देखो, एक यहाँ से कट होगा, 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 यानी जितने हमारे पास में जहाँ डबल बॉन्ड ना दिखे वहीं से इसको क्या सर्किल कर देते हैं, सर्किल करने के बाद चारों तरफ कट कर दो। तो यहाँ पर अगर हम रिंग रेसिड्यू की बात करें, तो टोटल रिंग रेसिड्यू कितने बनेंगे, टोटल रिंग रेसिड्यू हमारे बने यहाँ पर 4 रिंग रेसिड्यू बने, ठीक। अब 4 रिंग रेसिड्यू बने, तो एक रिंग रेसिड्यू वैल्यू थी 5, तो 4 रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हम लोगों को एक्सो ग्रुप चेक करना होता है, अब एक्सो ग्रुप चेक करो, 2। अब एक्सो ग्रुप चेक करो तो कितने आएंगे, देखो अब एक्सो ग्रुप हम लोग कैसे देखते थे, डबल बॉन्ड के बाहर, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, तो सपोज आपने नंबरिंग कर दी, ये हमारी पास पहली रिंग है, और इसको कर दिया हम लोगों ने, ये हमारी दूसरी रिंग है, तो फर्स्ट और सेकंड रिंग हो गई। अब पहली रिंग के बाहर आपको देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक, और दूसरी रिंग के बाहर देखोगे तो आपको ये डबल बॉन्ड दिखेगा। तो पहली रिंग के पास भी एक एक्सो ग्रुप है, दूसरी रिंग के पास भी एक एक्सो ग्रुप है, तो टोटल एक्सो ग्रुप कितने हो गए, टोटल एक्सो ग्रुप हो गए हमारे पास में 2। तो यहाँ पर अगर एक्सो ग्रुप की बात करें, तो 2 हमारे हो गए एक्सो ग्रुप, ठीक। अब 2 एक्सो ग्रुप हो गया, तो एक एक्सो ग्रुप की होती वैल्यू 5, तो 2 की कितनी हो जाएगी 10। अब क्या करेंगे, इनको हम लोग यहाँ से ऐसे क्या करो, लाइन कवर अप करो यहाँ से ऐसे, लैम्डा मैक्स लिखो ऐसे कि ये हमारे पास में लैम्डा मैक्स है, और लैम्डा मैक्स की टोटल वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी, सबको ऐड करो, जल्दी बताओ कितना आएगा ऐड करने पे, 244। सबका आया 244, ऐड कर लो 20 10 30, और 214 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 244 NM, ये इसका आंसर आ जाएगा 244 NM, ठीक है। तो इसको इसको ये नोट कर लो, इसको भी साथ साथ करते चलो, मैं सारा ऐसे ही सॉल्व करते चलूंगा, 214 NM आएगा इसका, ठीक है। अगर किसी को नोट करने में वो हो रहा हो तो बताते चलना, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी से रेस कर दिया इसको, मैंने बता देना मेरे को कि सर नोट कर रहा है, तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है।
चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास में थर्ड एग्जांपल देखो, तो थर्ड एग्जांपल हमारा कौन सा है? थर्ड एग्जांपल ये वाला थर्ड एग्जांपल है। तो थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, तो देखो जरा, तो इस वाले केस में देखो सबसे पहले क्या होगा, फिर से वही कंडीशन की होमो होगा, हेटरो होगा, क्या होगा? तो ये हमारे पास में तीन बने, हाँ तो हेटरो ही है। तो हेटरो के लिए अगर हम लोग बेस वैल्यू की बात करें तो बेस वैल्यू हमारी कितनी होगी? 214 होगी बेस वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद में इसके रिंग रेसिडियो की बात करते हैं, ठीक। तो रिंग रेसिडियो देखो यहाँ से, तो रिंग रेसिडियो, हाँ तो रिंग रेसिडियो एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसको कवर अप किया आपने इतने डबल बॉन्ड को, ठीक। उसके बाद में आपने इधर से इस वाले डबल बॉन्ड का ऐसे कवर अप कर दिया, कर दिया। अब करने के बाद में क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि कितने हमारे पास में आ रहे हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो जरा कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं, कितने रिंग रेसिडियो बनेंगे। तो यहाँ से ये कवर कट हुआ, एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो टोटल रिंग रेसिडियो हमारे पास कितने आ गए? 4। अब 4 रिंग रेसिडियो हमारे पास यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4 रिंग रेसिडियो। तो टोटल हमारे पास ये हो गया 4 रिंग रेसिडियो। और एक रिंग रेसिडियो की वैल्यू कितनी होती है? 5। तो 4 की हो जाएगी कितनी? 20, ठीक। अब इसके बाद में एक्सो ग्रुप चेक करो, एक मिनट रुक जाना जरा। हाँ चलो बताओ फटाफट कितने होंगे इसमें एक्सो ग्रुप? 2 एक्सो ग्रुप होंगे। अब देखो जरा क्या कंडीशन होगी, 2 एक्सो ग्रुप है, चेक कर लेते हैं कौन कौन से हमारे पास में एक्सो ग्रुप है, ठीक। देखो एक एक्सो ग्रुप क्या है, अगर यहाँ रिंग का नाम दे दें आप, तो ये हमारी फर्स्ट रिंग हो गई, ये वाली सेकंड रिंग होगी, और ये थर्ड रिंग होगी। तो एक्सो ग्रुप की बात करें तो देखो जरा सेकंड वाली रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड दिख रहा आपको, और थर्ड वाली रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड दिख रहा। तो सेकंड और थर्ड के बीच में जो ये बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर टोटल एक्सो ग्रुप हो जाएंगे कितना? 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें एक्सो ग्रुप की, तो 2 एक्सो ग्रुप हो जाएंगे, और एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू होती है कितनी? 5। हाँ एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू होती है 5। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुकना जरा, ठीक है, कॉल बात कर लो। हेलो, नमस्ते, कौन? हेलो, हाँ गौरव, हाँ गौरव बताओ। अरे 6 बजे तुम्हारी क्लास है तो है, अभी पहले मैं सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दो। हाँ हाँ है क्लास है। ठीक है, तो टोटल इन सबको ऐड करो, कितनी वैल्यू आ जाएगी जल्दी फटाक से बताओ टोटल ऐड करके। सर अभी वो और बचा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट की। हाँ हाँ वो ही बता रहे, पहले इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, टोटल हो जाएगी ये 10। अब इसके बाद देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक यहाँ पर बताया था एडिशनल वाली वैल्यू में। देखो जब 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, देखो इस वाले केस में एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है। जब 3 डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सी वाला नंबर, पढ़ो सी वाला क्या लिखा है, फॉर एवरी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और उसकी वैल्यू कितनी आती है? 30 nm। तो इसमें 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो इसकी भी वैल्यू हम लोगों को 30 वहां पर ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास हम लोग इस वाले केस में कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 ext, लिख दिया करो ext का मतलब होता है एक्सटेंडेड, ठीक, 1 एक्सटेंडेड। तो एक एक्सटेंडेड की वैल्यू होगी कितनी? 30। और जब 30 वैल्यू होगी तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करें तो लैम्डा मैक्स बता दो जरा कितना होगा ऐड करने के बाद में, फटाक से बताओ लैम्डा मैक्स कितना आएगा? 274। लैम्डा मैक्स इसका आएगा, यहाँ हम लोग लैम्डा मैक्स अगर कैलकुलेट करें तो लैम्डा मैक्स आएगा 274 nm, ठीक है। तो ये थर्ड वाला हो गया,
ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड के बाद फोर्थ वाले पे। तो ये हमारे पास देखो फोर्थ वाला पोर्शन है, ठीक। अब इसको मैं इरेज कर रहा, अगर किसी को नोट करना तो बता दो, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा। देखते चलना अपना किसका कौन सा गलत गलत हो रहा है, ठीक है। इतना ही केवल मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी ऐड करना तुम लोग। अब इसके बाद में देखो जो हमारा फोर्थ वाला पोर्शन है, तो फोर्थ वाले में देखो यहाँ पर दोनों केस बनना है, होमो केस भी बनना और हेट्रो भी बनना। और इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब होमो और हेट्रो दोनों आ जाते हैं, होमो और हेट्रो जब दोनों आ जाते हैं तो हम लोग होमो का बेस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो होमो की बेस वैल्यू लेंगे, ठीक। और होमो की बेस वैल्यू जब लेंगे यहाँ पर, तो क्या होती है होमो की बेस वैल्यू, बेस वैल्यू लिखा, बेस वैल्यू होमो की होती है कितनी, 253, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कितने रिंग रेसिड्यू आए हमारे, तो रिंग रेसिड्यू चेक करते हैं। देखो जरा रिंग रेसिड्यू कितने होंगे यहाँ पर, तो रिंग रेसिड्यू देखो ऐसे, पहले इसको हम लोगों ने यहाँ से ऐसे कवर कर दिया, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो क्या, यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ से देखो ऐसे कवर करेंगे हम लोग, इसको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड केवल बस कवर किया करो, एक को इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया, ठीक, केवल डबल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड को कवर किया करो। अब यहाँ हम लोग जरा चेक करते हैं कि देखो कितने रिंग रेसिड्यू हमारे पास में यहाँ पर बने हुए हैं। तो रिंग रेसिड्यू देखो कितने बने हुए हैं, पहला रिंग रेसिड्यू आपका ये आएगा, ठीक। दूसरा रिंग रेसिड्यू आप ऊपर जा नहीं सकते तो ये होगा, तीसरा रिंग रेसिड्यू आपका इधर वाला होगा, ठीक, और चौथा रिंग रेसिड्यू आपका ये होगा। उसके बाद कंडीशन देखो क्या है कि आप नीचे भी तो नहीं जा सकते हो, तो एक रिंग रेसिड्यू आपका ये होगा। तो टोटल रिंग रेसिड्यू यहाँ पर हमारे बनेंगे 5, ठीक। तो टोटल रिंग रेसिड्यू यहाँ पर 5 है, तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं 5 रिंग रेसिड्यू की। तो हमारे पास यहाँ पर रिंग रेसिड्यू है 5RR, ठीक, और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है कितनी, 5, तो कितनी रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे यहाँ पर, 25, ठीक। एक्सो ग्रुप देख लेते हैं, तो एक्सो ग्रुप यहाँ एक ही एक्सो ग्रुप दिख रहा है, ये जो मिडिल वाली रिंग है, मिडिल वाली रिंग के बाहर आपको देखो एक ये दिख रहा होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यही हमारे पास में एक एक्सो ग्रुप है, ये वाला, ये हमारे पास में एक एक्सो ग्रुप है। और एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है, एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू होती है 5। तो यहाँ पर एक्सो ग्रुप लिखते हैं कि हमारे पास 1 यहाँ पर एक्सो ग्रुप है और एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू होती है 5। अब यहाँ पर भी देखो आप लोग, तीन डबल बॉन्ड आ गए और तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो तीन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 एक्सटेंडेड फॉर्म है और एक एक्सटेंडेड फॉर्म की वैल्यू कितनी होती है, 30। और सब इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दोगे, और जब इन सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी फटाक से बताओ वैल्यू कितनी आएगी माधव, 313। सब लोग काउंट कर लेना एक बार, देख लेना, ये लोग गलत भी बता सकते हैं, क्यों माधव? अरे सर सही है बिल्कुल, तभी मैं नहीं गलत नहीं है, सही है, तभी मैं 313। ठीक है, 313 वैल्यू होगी इसकी, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अब चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में चेक करो, 308 होगी, 308 होगी, जरा काउंट करो इसको भाई, भैया आराम से काउंट करो, चेक कर लो सुकून से, सुकून से चेक करो भाई, 25 + 5 = 30 होगा, 30 + 30 = 60, आपस में बहस नहीं करो, फिर से चेक करो, देखो 25 + 5 हो गया 30, अरे माधव चुप रहो, 25 + 5 हो गया 30, और नीचे देखो फिर से 30, तो 30 हो गया 60, ठीक है। और 60 आप ऐड करोगे उसमें 253 में, तो कितना आ जाएगा, 6 + 5 तो आपका 11 होता है, यानी 310 हो जाएगा, और 3 उसमें ऐड करोगे तो 313 हो जाएगा, ठीक है। किसके पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही, तो इसमें वैल्यू हो जाएगी 313, ठीक। अब इसके बाद में जरा फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाला,
स्क्रीन दिखाई दे रही, जल्दी बताओ माधव, देख रही है? अच्छा ठीक, चलो फिफ्थ वाले में आ जाओ। लाइट देख रही है? लाइट चली गई है लैपटॉप में? देख रही है? अरे चुप रहो, लाइट चली गई है लैपटॉप की, बैटरी ज्यादा देर रुकती नहीं है इसलिए करते। चलो फिफ्थ वाले में देखो जरा, तो सेम जो भी फिफ्थ का है वही फोर्थ, दोनों का सेम होगा। ठीक, बस क्या चीज नहीं होगी, बस क्या चीज नहीं होगी, जो एक्सो ग्रुप हम लोगों ने ऊपर लिखा है, जो एक्सो ग्रुप ऊपर हम लोग, जो हम लोगों ने एक्सो ग्रुप लिखा है वो नहीं होगा। यानी कि पांच कम कर दो उससे, तो पांच कम करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा मैक्स कितना आएगा इसका, 213 में पांच कम कर दो कितना जाएगा, 308 8 5 13 होता है सर। लैम्डा मैक्स इसका भी 313 ही आएगा ना? नहीं, 313 क्यों आएगा? इसका रिंग रेसिडुअल कितना निकाल रहा है? रिंग रेसिडुअल 62। रुको चेक कर, 6 आ रहा है सर मेरे, आप चेक कर लेते, चेक कर लेते रिंग रेसिडुअल कितने बनेंगे, एक मिनट रुक जाओ। पहली चीज तो इसको हम लोगों ने ऐसे कवर कर लिया, ठीक। दूसरा इस चीज को हम लोग ऐसे कवर करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड लिया और ऐसे कवर कर लिया। अब ये इतना कवर हुआ, अब इसके बाद में इसमें देखो कितने रिंग रेसिड्यू आते हैं, देखते हैं। तो आपका रिंग रेसिड्यू जो होगा, एक तो रिंग रेसिड्यू आपका हुआ ये, ठीक। दूसरा रिंग रेसिड्यू हुआ ये वाला, ठीक। तीसरा रिंग रेसिड्यू आपका ये हुआ, चौथा रिंग रेसिड्यू आपका ये हुआ, पांचवा रिंग रेसिड्यू ये हुआ। तो पांच ही तो होंगे, मानो छह कहां से आ जाएंगे सर? आपने जहाँ पे चौथा बताया तो इधर साइड एक रिंग पे लगाया, दूसरे ऊपर नहीं लगेगा? इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, रुक जाओ देख लेने दो। जो तीसरी, हाँ ये भी होगा, ये तीसरी वाली रिंग, ये भी होगा, ये भी होगा। तो टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास ये ब्लू वाले देखो, टोटल 6 टिक किए, यानी रिंग रेस भी होगा 6। सर ये रिंग कम्प्लीट कहाँ है? कौन सी, किसने कहा? अरे रिंग तो कम्प्लीट है, किसने कहा कम्प्लीट नहीं है? रिंग तो कम्प्लीट है, क्लोज क्लोज स्ट्रक्चर बना हुआ ना उसका, ठीक है। ठीक है, तो इसकी भी, इसका भी जो हमारे पास में सेम आएगा, बस एक्सो जो है एक्सो ग्रुप नहीं होगा, लेकिन एक्सो ग्रुप की जगह क्या होगा, जो रिंग रेसिड्यू उन्होंने पांच लिखे थे, तो यहाँ पर रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे कितने, 6। तो इसका मैं सॉल्व नहीं, हाँ इसका मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इसको लिख लेना कि इसका लैम्डा मैक्स भी आएगा हमारे पास में कितना, उतना ही आएगा 313 इसका भी आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं आगे, जो हमारे पास में इधर ये था 6 नंबर, 6 की बात करते हैं। तो 6 देखो, ये हमारे पास में 6 है, ठीक। तो 6 वाले में ये जो 6 हमारे पास में है, तो 6 वाले में क्या होगा, सबसे पहले ये सिस्टम कौन सा बनेगा, ठीक। अब देखो ये सिस्टम कौन सा बनेगा, सिस्टम हमारा बनेगा ये, बेस वैल्यू इसकी होगी पहला वाला डाइन सिस्टम बने, क्योंकि रिंग तो है नहीं, तो हाँ तो ये हमारे पास, हाँ तो नहीं, सबसे पहले बेस वैल्यू लिखोगे तो बेस वैल्यू कितनी होती है इसकी, 217, इसकी बेस वैल्यू होगी 217, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग बात करें कि आप लोग जरा यहाँ देखो, ये जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट को देखो क्या लिखा है, बी वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉर एवरी एडिशनल एल्किल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू। तो रिंग रेसिड्यू की बात हम लोग करते हैं रिंग के अंदर। अब यहाँ इस वाले केस में रिंग तो बनी नहीं है, तो हम लोग क्या देखना रहेगा, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, CH3 C2H5, ये हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। तो इस वाले केस में देखो, ये वाले हमारे जो केस है, जो हमारा केस ये बना हुआ, इस वाले केस में देखो क्या लिखा हुआ, कितने CH3 लगे हैं यहाँ पर, 2 CH3 लगे हुए हैं, और 2 CH3 लगे हैं, तो इसका मतलब इसका कितना होगा, फटाक से बताओ। तो 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ तो 2 हमारे पास में एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और 1 एल्किल ग्रुप की वैल्यू, हाँ 1 एल्किल ग्रुप की वैल्यू होती है 5, तो 2 की हो जाएगी कितनी, 10। अब इसके बाद में 3 डबल बॉन्ड आते हैं, जब 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 हुआ हमारे पास है, कि 1 क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका। तो जब 1 एक्सटेंडेड है तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 30। अब इसमें, हाँ अब इसमें कुछ आएगा नहीं, तो इन सबको क्या कर दो, आप इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब आप इन सबको ऐड कर, 257, जब इन सबको ऐड करो कितना आएगा, 257 257
एनएम आएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा मैक्स की, ठीक है। हाँ ठीक है, तो चलो अब अगला देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर में जरा पहले मेरे को ये बता दो कि इसमें बेस वैल्यू कौन सी होगी। सर इसमें भी वही होगी। आप देखो सर यहाँ पर रिंग बनी है कि नहीं बनी, यहाँ पर रिंग बनी नहीं है क्योंकि एक बीच में देखो अब यहाँ पर ये वाला जो यहाँ का पोर्शन ये ब्रेक है, तो जब ब्रेक है तो इसका मतलब रिंग तो है नहीं यहाँ पर, और जब रिंग है नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास वाला सिस्टम तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा भाई डाई इन सिस्टम, जो डाई इन सिस्टम चल रहे तो वही सिस्टम होगा। तो इसकी अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो इसकी बेस वैल्यू फिर से वही होगी 217 nm, बेस वैल्यू 217 हो गई। अब अगर हम इसकी बात करें कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं इसमें, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो एक एल्किल ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी फटाक से, एक एल्किल ग्रुप की वैल्यू होगी 5, बस इतना ही होगा बाकी और कुछ है नहीं इसमें। इनको ऐड कर लो कितना आएगा 222। हाँ तो इसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी 222 nm, ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक। नेक्स्ट हम लोग अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा है, नेक्स्ट हमारा ये 8th नंबर है, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, 8th नंबर वाले में अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ फटाक से। नीचे वाले दोनों सर लेंगे डबल। अब यहाँ सबसे पहले, हाँ सबसे पहले बेस वैल्यू की बात करें तो बेस वैल्यू कितनी होगी इसकी, बेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो बेस वैल्यू फिर से होगी, अब ये हेट्रोसाइक्लिक है तो हेट्रोसाइक्लिक की बेस वैल्यू कितनी होती है 214, ठीक 214 होती है। अब यहाँ रिंग रेसिड्यू की बात करें तो रिंग रेसिड्यू केवल इतने में ही बनेगा हमारा, हाँ ऊपर वाले बॉन्ड में कहीं से भी कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं डबल सिंगल आना चाहिए, लेकिन इसके बाद वो डबल सिंगल तो कहीं आया नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाले बॉन्ड से हमको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो 214 बेस वैल्यू उसकी हो गई। अब यहाँ पर रिंग रेसिड्यू चेक कर लो कितने रिंग रेसिड्यू आएंगे, तो रिंग रेसिड्यू देखो कितने आएंगे, एक रिंग रेसिड्यू ये आएगा, दूसरा रिंग रेसिड्यू हमारा ये आएगा, और तीसरा रिंग रेसिड्यू ये आएगा। तो टोटल रिंग रेसिड्यू कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास में, 3 रिंग रेसिड्यू हो गए, और एक रिंग रेसिड्यू वैल्यू होती 5, तो 3 की होगी 15, ठीक। अब एक्सो ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो एक्सो ग्रुप केवल एक ही दिख रहा होगा आपको, एक्सो ग्रुप क्या होता है डबल बॉन्ड के बाहर, रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड, तो ये इस वाली रिंग के बाहर देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा, यही एक डबल बॉन्ड दिख रहा। तो यहाँ पर एक हमारे पास में क्या होगा, 1 हमारे पास में एक्सो ग्रुप है, एक हो गया एक्सो ग्रुप, और एक एक्सो ग्रुप की वैल्यू होती है 5, इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, और ऐड करो 15 5 20 हो गया, 20 में 14 ऐड करो कितना आएगा 234 एनएम हो गया, यस सर, ठीक है। चलो अगला वाला देखो, इसमें बताओ फटाक से क्या आएगा सर, इसमें भी हेड पर एंगल होगा 214 बेस वैल्यू। चलो इस वाले में देखो जरा क्या, इस वाले में हेट्रो एनुलर नहीं होगा क्योंकि एक ही रिंग के अंदर दो बॉन्ड नहीं है, ना ही दो अलग अलग रिंग आपस में अटैच्ड हैं। हेट्रो तभी हम लोग बोलेंगे, देखो जरा एक मिनट हेट्रो केस देख लो, हेट्रो तभी हम लोग कहेंगे जब दो रिंग, दोनों की दोनों रिंग आपस में अटैच्ड हो और दोनों रिंग के पास डबल बॉन्ड हो, ये दोनों दोनों रिंग आपस में अटैच है लेकिन डबल बॉन्ड दोनों पर है। यहाँ पर क्या है कि दोनों रिंग आपस में अटैच नहीं है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम होगा इसमें अगर हम लोग बात करें तो, कॉन्जुगेटेड डाइन, तो कॉन्जुगेटेड डाइन सिस्टम में हम लोग अगर इसकी बेस वैल्यू बात करें तो इसकी बेस वैल्यू होगी 200 कितनी 17, कॉन्जुगेटेड की वैल्यू 217 हो गई, ठीक। अब अगर इसकी हम लोग बात करें यहाँ पर रिंग रेसिड्यू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिंग रेसिड्यू केवल हेट्रो और होमो में होता है, तो रिंग रेसिड्यू यहाँ चेक नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग सीधे अब क्या करेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म देखो इसका, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, एक्सटेंडेड क्या 3 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30, ठीक। ठीक उसके बाद में देखो क्या है, अब इसमें और क्या देख सकते हैं, इसमें एक्सो ग्रुप भी तुम चेक करोगे, अगर एक्सो ग्रुप की मैं बात करूं तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट रिंग है और ये हमारे पास सेकंड रिंग है,
और दोनों इरिंग के बाहर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा, तो दो एक्सो ग्रुप हो जाएंगे, एक पहली वाली रिंग के लिए भी एक एक्सो, दूसरी वाली रिंग के लिए भी एक एक्सो, तो टोटल कितने एक्सो हो जाएंगे, टू एक्स, टू हमारे पास में एक्सो हो गए, तो एक एक्सो की वैल्यू होती है 5, तो दो की हो जाएगी 10, और इन सबको जब ऐड करोगे तो ऐड करके बताओ कितना आएगा, 257। हाँ, तो इन सबको जब ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 257, ठीक है। Yes, ये था। अब लास्ट वाला और देख लो जल्दी, लास्ट वाले में देखो क्या कंडीशन आ रही है, लास्ट वाले भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी क्या, अब यहाँ देखो हम लोग होमो कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही रिंग के अंदर देखो दो डबल बॉन्ड दिख गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर बेस वैल्यू हमारी होगी 253, 253 हो गई इसकी बेस वैल्यू, ठीक। अब अगर देखो यहाँ हम लोग बात करें 253 बेस वैल्यू होगी, अब रिंग रेस भी चेक कर लेते हैं, तो रिंग रेस भी केवल इतने में ही होगा जितना ये दिखाया गया, बस। तो रिंग रेस भी देखो यहाँ पर, एक मिनट में ऊपर ऊपर का रेस करूंगा, ठीक है। तो देखो इधर इसको हम लोग ऐसे यहाँ से कवर अप कर लो, और जब कवर अप करोगे यहाँ से तो रिंग रेस देखो, एक तो आपको ये कट मिलेगा और दूसरा इसके इस तरफ मिलेगा, तो दो ही रिंग रेस भी होंगे यहाँ पर हमारे, तो दो रिंग रेस भी अगर है तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं दो रिंग रेस भी की, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे 2RR, तो दो रिंग रेस भी होगा, एक रिंग रेस की वैल्यू 5, तो दो की हो गई 10, ठीक। अब इसके बाद में एक्सटेंडेड फॉर्म दिखाई दे रहा होगा तुमको, ठीक, एक्सटेंडेड फॉर्म दिखाई दे रहा, और एक एक्सटेंडेड फॉर्म की वैल्यू होती है कितनी, यहाँ एक एक्सटेंडेड कर दिया तो उसकी वैल्यू लिख दी 30, ठीक है। उसके बाद देखो एक एक एल्किल ग्रुप भी लगा हुआ है आपका CH3, yes। तो 1 हमारे पास में एल्किल ग्रुप है, और एक एल्किल ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है 5, इसको भी लिख दिया 5। अब इन सबको क्या करोगे, ऐड कर दो, और जल्दी से बता दो ऐड करके कितना आएगा, 298 आंसर आया 298 NM, 298 NM, ठीक है। आप बताओ किसी इनमें 10 के 10 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। कौन वाला, एक मिनट बाकी सब, एक मिनट बाकी सब लोग माइक ऑफ कर दो। हाँ बोलो, क्या कह रहे, ये जो 10th वाला था सर, अभी आपने पढ़ाया था, तो इसमें होमो लिया आपने बेस वैल्यू होमो की, तो सर इसमें दो, एक रिंग में दो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, लेकिन जो है सर अटैच तो नहीं है दूसरे रिंग से, नहीं देखो होमो का हेट्रो में दो रिंग होनी चाहिए, और होमो के केस में ये देखो हमारा होमो होता है, ये देखो ये होमो है, ठीक। होमो में क्या होता है कि एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ इस रिंग का मतलब कुछ नहीं है, और बताओ किसी को, और बताओ किसी को कोई डाउट किसी में, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, नहीं है, चलो फिर अपने इस पे आ जाते हैं। अब जरा मेरे को चैट करके बताओ किसके कितने सही है फटाक से। सर एक बता दीजिए, ऐसे है ना, अगर रिंग वो बेंजीन नहीं होगा तो क्या कहते हैं उसमें, रिंग रेसिड्यू होगा ना, बेंजीन नहीं होगा तो रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू नहीं होगा, नहीं नहीं तो नहीं होगा, बेंजीन की बात ही नहीं की सर के, वो बोलो हेक्सासाइक्लिक रिंग हमारी है, ठीक है। रुक जाओ मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, अब है कितने सही थे जल्दी फटाक से बताओ। दो गलत हो गए, एक 7 नंबर एक, अच्छा ठीक, आकांक्षा के 4, ठीक, अखिल अखिल मैसेज करके बताओ चैट पे, 5, ठीक। बाकी कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया ना, सॉल्व कर लेना। अंकित
मैं से टाइप करके बताओ। 10 के 10 सही, बहुत बढ़िया। हर्ष हर्ष 6 सही, चलो बहुत बढ़िया। माधव माधव कहाँ चले गए तुम? प्रियांशी तुम बता बेटा। माधव के 9 सही। प्रियांशी सर हम पहले ऊपर बता दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रियांशी के 8 सही। रजत 8। चलो फिर अभी इसमें देखो कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताना। जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास जो होगी वो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो ट्यूसडे को क्लास होगी, ठीक है? तो बाकी हम लोग उसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मेरी थर्ड ईयर की भी क्लास वो भी लेनी है। और हाँ, तो किसी को अगर कोई डाउट हो तो अभी उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को मैसेज करके पूछ लेना कि ये डाउट था, ठीक है? ओके सर, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। बाकी ट्यूजडे क्लास होगी, ट्यूजडे क्लास में सब करना होगी। ओके सर, वो तो बाहर चला वो किया नहीं होगा ना उसने। ओके रिकॉर्डिंग तब तक मैं इसको लगाया।